हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जो सीरीज शुरू की गई समान ज्ञान की, तो उसके टेस्ट 15 देखने वाले हैं, जिसमें मोस्ट मॉडर्न 30 क्वेश्चन देखने हैं। तो आज आपके हो जाएंगे कितने क्वेश्चन, 450 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, और इसका PDF आपको मिल जाता है टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका PDF मिल जाए। तो आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है उसका जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जवाब मिल जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। शुरू करेंगे और देखेंगे वन बाय वन सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया करना सीखा था। विच मेटल डिड मैन फर्स्ट लर्न टू यूज, तो सबसे पहले किसका यूज करना सीखा था, तो तांबे का यूज किया था, कॉपर का यूज किया था। ध्यान के कॉपर की बात की जा रही है, तांबे की। नेक्स्ट, और जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष में की गई। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक एस्टेब्लिश्ड। रीजनल रूरल बैंक यानी RRB की बात की जा रही है। इसकी स्थापना कब की गई, तो 1975 में 2 अक्टूबर 1975 में इसकी स्थापना की गई। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, RRB की बात की जा रही है। ठीक, नेक्स्ट, इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, रंगराजन समिति का गठन किस लिए किया गया था। फॉर व्हाट वाज द रंगराजन कमेटी फॉर्म्ड। तो रंगराजन जो समिति थी इसका किया गया था विनिवेश के लिए, डिस इन्वेस्टमेंट के लिए इसका गठन किया गया था। इस पर जो है विचार करने के लिए, इसके बारे में जो है खोज करने के लिए, सारी चीज़ों के बारे में किया गया था। 1993 में किया गया था, 1993 में, ध्यान रखिएगा 1993 रंगराजन समिति। नेक्स्ट, जवाब करें फटाफट। भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था है। इट इज़ द अपेक्स इंस्टीट्यूट दैट फाइनेंस एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो मतलब जो कृषि के क्षेत्र में वित्त प्रदान करती है, यानी पैसा देती है, उसकी बात की जा रही है। तो कौन देने का काम करता है, नाबार्ड। ध्यान रखिए, नाबार्ड। नाबार्ड की अगर स्थापना की आप बात करेंगे तो इसकी स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 को, यानी इसके इस्टेब्लिश की बात की जा रही है 12 जुलाई 1982 को हुई। तो छठी पंचवर्षीय, यानी जो सिक्स्थ आपका 5 ईयर प्लान था, उसमें इसकी स्थापना की गई थी, जो आपका कब था, 1980 से 1985 के बीच में। ध्यान रखिएगा कब की गई है, छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना, यानी सिक्स्थ आपका 5 ईयर प्लान जो था उसमें इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, इसका जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट स्थित है। दलाल स्ट्रीट देखिए आपका है किससे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है, बॉम्बे शेयर मार्केट है, उससे मतलब ये रिलेट करता है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है तो ये मुंबई में होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी मुंबई से रिलेट करता है। नेक्स्ट, फटाक से जॉब करें इसका भी, राइट आंसर क्या है। तो भाई देखिए, आपके एग्जाम पास में धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मैं तो करंट यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को कोशिश करना कि करंट भी कहीं ना कहीं तैयार कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा मैं असमर्थ हूँ, करंट को नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ और डेली क्लास भी नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी कोशिश आप लोग कीजिएगा कि लूसेंट जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। ठीक है, बाकी मैं जितने हो सकते हैं उतने वीडियोस और अपलोड करने की कोशिश करूँगा GS के। क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश। तो इसकी स्थापना कब की गई, तो 1956 में की गई थी, ध्यान रखिएगा 1956 में। और यूपी कैट का जो एक मैराथन वीडियो आप देखे होंगे, उसमें जो दो पार्ट आपका दिखेगा, उसमें आपको 1000 टोटल क्वेश्चन है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, एक बार वहाँ से देख लेंगे तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। वन लाइनर के तौर पर दिए गए, बाईलैंग्वेज आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, काफ़ी वहाँ से चीज़ें कंप्लीट आपकी हो जाएंगी। ठीक है, यूपी कैडेट के लिए वहाँ पे मैराथन का जो है GS तो सबके लिए एक ही रहता है, बस नाम केवल वहाँ पे दिया गया। ठीक, नेक्स्ट है, इसका जवाब करें फटाफट।
क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष है, व्हाट वाज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए पहले जो हुआ करता था तो इसका जो है 1 जुलाई से लेकर आपका कब तक 30 जून तक हुआ था, लेकिन वर्तमान में आपका क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका क्या होता है फाइनेंशियल ईयर के तौर पर जाना जाता है। ध्यान रखिएगा इसको, देखते होंगे शराब की दुकान पर आपको लिखा रहता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लागू रहता है कोई भी चीज़ रहे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट जॉब करें इसका भी, क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक को अधिकतम कितने मूल्य वर्ग तक की करेंसी नोट छापने का अधिकार प्राप्त है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द राइट टू द प्रिंट करेंसी नोट्स अप टू द मैक्सिमम डिनोमिनेशन ऑफ, तो किस मूल्य वर्ग तक के नोट को मैक्सिमम छाप सकता है, अधिक से अधिक छाप सकता है। तो भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो वर्तमान में कितना चला है 2000 नोट चले, लेकिन जो अधिकतम की बात की जाए कि मैक्सिमम यहाँ पर छाप सकता है तो 10,000 रुपये तक की नोट, ठीक है। तो इंडिया में 10,000 तक की मैक्सिमम नोट छाप सकता है RR, यहाँ पे RBI की बात की जा रही, ठीक है। ध्यान रखिएगा RBI की स्थापना आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में हुई, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया 1 जनवरी 1949, सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। नेक्स्ट फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द 11th 5-year plans। तो जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी मुख्य यहाँ पे योजना की अगर आप बात करेंगे तो समाविष्टि आर्थिक वृद्धि थी, यानी इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ की बात की गई थी। थी कब से कब, 2007 से लेकर 2012 तक के बीच में थी। ध्यान रखिएगा इस जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट फटाफट जवाब करें इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ द 1st 5-year plan इन इंडिया। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना आपकी शुरू की गई थी 1991 में, उसका जो हैरोड डोमर मॉडल रखा गया, ये फर्स्ट है। सेकेंड आपका देखिए सेकेंड वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका सेकेंड वाला जो है महलनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा पहला वाला हैरोड डोमर मॉडल, दूसरी जो है महलनोबिस मॉडल, दोनों जो इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फटाफट जवाब इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है निम्न में से भारत की योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, हु एमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन ऑफ यहाँ पे प्लानिंग कमीशन की बात की जाए तो अब तक जो है कौन हुआ करता था, प्रधानमंत्री, लेकिन अब इसको यहाँ पे योजना आयोग को ही हटा दिया गया, मतलब इसको रिमूव कर दिया गया, इसकी जगह कौन आ गया, नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना जो की गई 1 जनवरी 2015 से, यानी कि 1 जनवरी 2015 से जो है नीति आयोग कर दिया गया इसका नाम। तो इसका भी आपका जो चेयरमैन होगा कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ही होता है। ध्यान रखिएगा जो करंट में रहेंगे वही जो इसके यहाँ पे कौन होते हैं, चेयरमैन होते हैं, यानी अध्यक्ष होते हैं। ओके ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट का जवाब करेंगे फटाफट। थोड़ा सा पीछे आइए एक चीज़ यहाँ पे देखिए, इसका योजना आयोग जो था इसकी स्थापना जो की गई थी 1951 में की गई थी, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इसको देखिए चलैया समिति का संबंध की बात की जाए, चलैया समिति कमेटी इज रिलेटेड टू, तो चलैया समिति जो है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से रिलेट करती है। ध्यान रखिएगा 12 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1991 में की गई थी। ध्यान रखिए 1991 डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से। नेक्स्ट और इसका भी जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन उत्पाद शुल्क क्या है, व्हाट इज द एक्साइज टैक्स। तो एक्साइज टैक्स की बात की जा रही है, उत्पाद शुल्क की बात की जा रही है, रिलेट किससे करता है, तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो उत्पाद शुल्क जो है क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष कर है, यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स में और कौन कौन आ सकते हैं, जैसे आपका इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे होता है कौन कौन, बिक्री कर हो जाएगा, यानी सेलिंग जो होता है बिक्री कर, ये भी आपका अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा। जो आपका सीमा शुल्क होता है, जो सीमा कर होता है, उसको भी बात की जाएगी, यानी बॉर्डर टैक्स की बात की जाएगी। और यहाँ पे जो सेवा कर होता है यानी सर्विस टैक्स होता है, ये भी आपका यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स में आएगा।
उसके बाद ये सब जो हमारे क्या है, बिक्री कर हो गया और उत्पाद शुल्क हो गया, सीमा कर हो गया, सेवा कर, ये सब जो हमारे क्या होते हैं, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट में कौन कौन आते हैं उनकी अगर बात करेंगे, डायरेक्ट में जो आपका कौन आ जाएगा, आयकर, आयकर हो गया और निगम कर हो गया, ये सब कैसे हैं आपके यहाँ पे डायरेक्ट वाला टैक्स हैं। और इसमें संपत्ति भी आपका हो जाएगा, संपत्ति कर, ये भी आपका हो जाएगा। और कोई छूट रहा है भाई? ठीक है, इतने ही बहुत हैं, संपत्ति कर तक ही बहुत हैं। ठीक है, तीन आप देख लीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और इसका जवाब करें फटाफट। राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर क्या है भाई, फटाफट जवाब करें, राइट आंसर क्या है? आप लोग नंबर के साथ कमेंट करा करिए, नंबर जो है कौन सा, किसका सही कर रहे हैं, किसका जवाब कर रहे हैं। तो भारत में GST कब कब यहाँ पे कब लगाया गया था? ठीक है, एक ही बार रहेगा, कब कब लगाया गया था, व्हेन वाज GST इम्पोज्ड इन इंडिया। तो इसको जो लगाया कब गया था, 1 जुलाई 2017 को लगाया गया था। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई यहाँ पे जो है इसी को जो है क्या माना, GST दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फटाफट जॉब करें, इम्पोर्टेंट जो डेज हैं उनको भी याद रख लीजिए, क्योंकि डेज जो है पूछ लिया करता है, तो इम्पोर्टेंट डेज जो है उनको आप लोग वैसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, सभी अगर नहीं करा पाता हूँ तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग जो है कोशिश कीजिएगा उनको एक बार देख लेने की। निम्नलिखित में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शियरी एक्टिविटी, यानी आपका टर्शियरी सेक्टर की बात की जा रही है, यानी जो आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यहाँ पे तीन आपके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक यानी क्षेत्र जो बनाए गए उनकी बात की जाए, तो इसमें जो आएगा देखिए, एग्रीकल्चर की बात करेंगे तो जो है आपका प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक सेक्टर में चला जाएगा, विनिर्माण ये आपका सेकेंडरी सेक्टर में चला जाएगा यानी द्वितीय में, वानिकी आपका जो फॉरेस्ट्री ये भी आपका क्या प्राइमरी में यानी फर्स्ट में चला जाएगा, यानी विपणन जो होता है मार्केटिंग होता है किस में आएगा आपका, टर्शियरी में आएगा यानी तृतीयक क्रियाकलाप या तृतीयक क्षेत्र में आता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट फटाफट इसका जवाब करें भाई, राइट आंसर इसका क्या है क्वेश्चन? नेपानगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? नेपानगर इज नोन फॉर विच इंडस्ट्री? तो नेपानगर किसके लिए जाता है? अखबारी कागज के लिए जाना जाता है, न्यूज़ प्रिंट पेपर के लिए जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे? MP में। नेक्स्ट जवाब करें इसका भी फटाफट, राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन वाज सेट अप बाय? तो कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की बात की जा रही है, तो इसकी स्थापना जो है कब की गई, तो फटाफट जवाब करेंगे यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1965 में इसकी स्थापना की गई एक बार। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, इंडियन फॉसिल एंड दी फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट? तो भारतीय जो चारा का एवं चारा अनुसंधान है कहाँ पे? झांसी में, ध्यान के कहाँ पे? झांसी में। नेक्स्ट और इसका जवाब करें फटाफट। क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड टू का निम्न में से किससे संबंध है? ऑपरेशन फ्लड सेकंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ऑपरेशन फ्लड का यहाँ पे रिलेशन जो दे रखा है किससे? दूध आपूर्ति से, मिल्क सप्लाई से है। तो इसका जो स्टार्टिंग की यानी जो फर्स्ट वाला था आपका, जो फर्स्ट ऑपरेशन फ्लड था वो आपका कब शुरू किया गया? फर्स्ट वाला 1971 में। ठीक है, जो सेकेंड वाला आपका स्टार्ट किया गया, अगर सेकेंड वाले की बात करेंगे तो 1981। थर्ड वाले की बात करें, ऑपरेशन फ्लड की ही बात की जा रही है, थर्ड आपका जो शुरू किया गया उसकी अगर आप बात करेंगे तो 1995 की। और अगर फोर्थ मतलब चार जो ऑपरेशन फ्लड यहाँ पे चलाए गए हैं, तो जो फोर्थ वाला आपका है वो कब शुरू किया गया? तो 1995 में शुरू किया गया। तो इनका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे चार है। नेक्स्ट इसका भी जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे संबंधित? व्हाट इज द येलो रेवोल्यूशन रिलेटेड टू? तो पीली क्रांति की अगर आप बात करेंगे तो ये किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से यानी ऑल सीड्स प्रोडक्शन से रिलेट करती है। मछली उत्पादन की आप अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ब्लू रिवोल्यूशन हो जाती है यानी नीली क्रांति की यहाँ पे हम बात करते हैं। पुष्प उत्पादन यहाँ पे अगर देखेंगे तो फ्लोरिकल्चर जो होता है उसमें जो हम पुष्प के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट।
प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है, वेयर इज द बैटल ग्राउंड ऑफ प्लासी लोकेटेड। तो प्लासी का युद्ध पहले तो यहाँ पे 1757 में हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखना। प्लासी का युद्ध कब हुआ, 1757 में। ये है कहाँ पे, तो आपका पश्चिम बंगाल में। ध्यान रखिएगा कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में आपका प्लासी का मैदान स्थित है। नेक्स्ट जवाब करें इसका भी फटाफट, राइट आंसर क्या है, नंबर के साथ कमेंट करें भाई, नंबर के साथ कि कौन सा आपका जवाब यहाँ पे सही है। ठीक है, 22nd अगर आप कर रहे हैं तो इसका जो 22nd के साथ क्या करें। निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, हु एमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर आप बात करेंगे, मुर्शिदाबाद से जो मुंगेर की गई थी राजधानी को, तो किसके द्वारा की गई थी, तो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो मीर कासिम ने इसको किया था। ठीक है, किसने किया था, मीर कासिम के द्वारा किया गया था। एक ही बार रहेगा, दो बार नहीं, मीर कासिम, ध्यान रखिएगा इसको, मीर कासिम राइट आंसर। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, क्वेश्चन वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, व्हेन डिड द बैटल ऑफ वांडीवास टेक प्लेस। तो वांडीवास के युद्ध की अगर आप बात करेंगे तो एक कब हुआ था, तो 1760 में हुआ था। कब हुआ था, 1760 में हुआ था। इसमें जो ब्रिटेन और फ्रांस, यहाँ पे जो फ्रांस थे उस सेना के बीच में, जिसमें जो ब्रिटेन विजेता हुआ था। तो 1760 में जो है यहाँ पे क्या हुआ था, वांडीवास का युद्ध। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है इसका, क्वेश्चन निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया, हु एमंग द फॉलोइंग अपोज द ब्रिटिश द मोस्ट इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो विरोध किया गया है किसके द्वारा किया गया, इंडिया में बात की जा रही है, तो सबसे ज़्यादा विरोध यहाँ पे किया अंग्रेजों का मराठों ने। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा विरोध किसने किया, मराठों ने। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, क्वेश्चन है अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, विथ होम डिड द ब्रिटिश मेक द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की जो संधि की गई थी किसके साथ की गई थी, यहाँ पे टीपू सुल्तान के साथ की गई थी। किसके साथ, टीपू सुल्तान के साथ, 1792 में, यानी 1792 आपका जब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ 1790 से जो 92 चला था, उसके बाद जस्ट इसका श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी। ध्यान रखिएगा, टीपू सुल्तान के साथ। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, यहाँ पे आज सुमेलित का चयन करना है, फटाफट इसका जवाब करें, राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आसुमेलित है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिस मैच्ड, यानी आपका गलत मैच है। तो 1765 में इलाहाबाद की संधि एकदम सही दे रखा है पहला, तो दूसरा है 1784 यानी 1784 मंगलौर की संधि, ये भी सही आपका है। 1782 सालबाई की संधि, ये भी सही दे रखा है। 1779 मद्रास की संधि गलत है, क्यों, क्योंकि ये 79 नहीं, यहाँ पे आपका 69 होना चाहिए, 1769 होना चाहिए, तब आपका मद्रास की संधि होना चाहिए। राइट आंसर क्या, डी वाला, यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे 1779 की जगह पे 1769 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करिए, प्रथम अगर गवर्नर आपसे पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, लेकिन गवर्नर जनरल जैसे ही कहता क्या होता है, वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिएगा एक चीज़ ध्यान दीजिए, वॉरेन हेस्टिंग क्या है, वॉरेन हेस्टिंग ये बंगाल के हो जाएंगे, और लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है क्या है, ये पूरे भारत के होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका क्या रहेगा, सी रहेगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा सी रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग है वो क्या है, वो बंगाल के आपके गवर्नर जनरल बनाए गए थे, बंगाल के गवर्नर जनरल बनाए थे, लेकिन जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो आपके क्या है, भारत के पूरे आपके बनाए गए थे। ठीक है, यहाँ पे डी होगा, ध्यान रखिएगा डी होगा, यहाँ पे आपका बी आंसर नहीं है, बी जो है बंगाल के गवर्नर जनरल की बात की जा रही है, केवल गवर्नर बोलेगा तो रॉबर्ट क्लाइव होगा, लेकिन गवर्नर जनरल बोलेगा तो वॉरेन हेस्टिंग होगा, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल यहाँ पे पूछे गए हैं तो आपका क्या होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है, द वर्ल्ड फ्रेशेस्ट वाटर लेक, यानी स्वीटेस्ट भी आप बात करते हैं, तो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ध्यान रखिएगा, भारत की जो है
उलर झील है, भारत की जो है उलर झील है, मीठे पानी की सबसे झील है। बैकाल झील की बात करेंगे तो विश्व की सबसे गहरी झील है, यानी वर्ल्ड डीपेस्ट लेक इज द बैकाल लेक। नेक्स्ट जवाब करें फटाफट, क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज, तो विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन, एंजेल जलप्रपात है, किस नदी पे, कैरोनी नदी पे, वेंजुएला में, कैरोनी रिवर पर है, ध्यान रखें कैरोनी रिवर पे वेंजुएला में है। भारत का सबसे ऊंचा जो है जोगिया गारसोप्पा जलप्रपात है, किस नदी पे, शरावती रिवर पर, ध्यान रखिएगा शरावती रिवर कर्नाटक में है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और नेक्स्ट का जवाब करें फटाफट, नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, क्वेश्चन सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या वाला ग्रह है, विच प्लैनेट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सैटेलाइट, तो वर्तमान में आपका जो देखा जाएगा राइट आंसर किसका हो जाएगा, शनि, शनि के पास कितने हैं 82, यानी सैटर्न के पास कितने हैं 82 हैं, ध्यान रखिएगा 82 2019 से। जुपिटर के पास इस समय वर्तमान में कितने हैं 79 है, ध्यान रखिए इस वजह से जुपिटर हमारा क्या है सेकेंड पे, यानी बृहस्पति इस समय जो है मोस्ट सैटेलाइट आपका क्या है यहाँ पे प्लैनेट नहीं है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ठीक है, तो शनि के पास इसमें सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या हो चुकी है 2019 से, ये डाटा आपका है। तो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन थे सभी कंप्लीट हो चुके हैं और इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में भाई, तब तक देखते रहिए फारंगी बिदासी सर, थैंक यू।